तो कौन से भगवान भक्त पर रीत जाते हैं? हम पर? क्या हमारे से ग्रसित हो जाते हैं? बोले नहीं, भगवान शुद्ध भक्त से ग्रसित होते हैं, शुद्ध भक्त के हृदय में ग्रसित होते हैं। शुद्ध भक्त कौन होता है? श्रील रूप गोस्वामी बात कहते हैं, शुद्ध भक्त का मतलब है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। उत्तम भक्ति यह है कि सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाए। अगर आपकी कोई भी एक डिजायर बची हुई है तो इसका मतलब अभी आप पूर्ण रूप से भक्त नहीं बने। कोई भी डिजायर है, श्रील प्रभुपाद जी के अंतिम समय में भक्तों ने पूछा, स्वामी जी आप जा रहे हैं, अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? श्रील प्रभुपाद ने कहा अब और किछु इच्छा नहीं। कहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। प्रसाद में इच्छा आ जाती है, हमको ये वाला चाहिए महाप्रसाद, ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, पनीर मत दो, केरला मत दो, मुझे ये दे दो, मेरा डाइट चाहिए। प्रसाद में भी हम लेफ्ट राइट डिजायर रखते हैं, लेकिन वो कह रहे अन्न अभिलाषिता शून्य, शून्य का मतलब जीरो, सारी डिजायर समाप्त हो जाए, है ना। तो ये बड़ी कृपा है श्रील प्रभुपाद जी की इस मोमेंट पर। वरना अगर हम भक्ति के स्टैंडर्ड पर देखें, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बोले सोदर मानी सुदर्शन प्रभु गौर निताय श्रील प्रभुपाद, भक्ति के स्टैंडर्ड पर तो हम कहीं मैच नहीं होते, कहीं भी मैच नहीं होते। ये तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है जो हम सब इस मूवमेंट में जुड़े हैं। वरना अगर हमारी दृष्टि देखी जाए, दोषों से भरी हुई दृष्टि है, हम वो भक्त नहीं है जो प्रेमा हैते पाए कृष्णेर सेवा सुख रस। हमें सुख रस कहाँ मिलता है, हमें तो दोष दिखता है। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में अभी मायापुर में श्रवण उत्सव चल रहा था, तो उसमें श्रुति कीर्ति प्रभु अपने का अनुभव बता रहे थे। बोले एक बार की बात है कि इस्कॉन जब नया नया खुला था, तो जॉर्ज हैरिसन ने अपना एक भक्ति वेदांत मैनर गिफ्ट कर दिया था श्रील प्रभुपाद जी को लंदन के अंदर। जॉर्ज हैरिसन कौन थे? बोले जॉर्ज हैरिसन वो थे जो बीटल ग्रुप, उस समय बीटल ग्रुप बड़े गिटारिस्ट थे, बड़े सिंगर थे, जैसे माइकल जैक्सन और आज के जमाने में बड़े बड़े संगीतकार। वो बीटल ग्रुप उस जमाने 1965-1966 में रॉकिंग ग्रुप था, वर्ल्ड फेमस ग्रुप। उसके जो मेन गिटारिस्ट, मेन सिंगर जॉर्ज हैरिसन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी भक्ति वेदांत मैनर, जो हैरिसन मैनर था वो भक्ति वेदांत स्वामी को दिया, उसका नाम पड़ गया भक्ति वेदांत। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी जब आए उस भक्ति वेदांत मैनर को, कुछ समय हो गया था चलते हुए, तो एक जो उस समय के उस एरिया के हेड थे, जीबीसी थे, वो मंगल आरती नहीं आते थे, जप नहीं कर रहे थे, ऐसा भक्तों को प्रतीत हो रहा था, हो सकता है उनकी सेवा बहुत रही हो। तो वहां पर एक सन्यासी थे, तो श्रुति कीर्ति प्रभु बताते हैं एक सन्यासी और एक प्रेसिडेंट ऑफ द टेंपल, वो दोनों उस जीबीसी के पास गए और जाकर के जीबीसी के लिए श्रील प्रभुपाद जी के पास गए। तो प्रभुपाद जी के पास गए तो उन्होंने बिठाया, बोले हाँ क्या बात है, आप अचानक से रात के समय नॉक कर रहे हैं दरवाजे पर। तो उन्होंने बोला कि हम आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। बोले क्या? बोले इस एरिया के जो आपने जीबीसी बनाया है, क्योंकि उस समय नए नए भक्तों को सेवाएं दी जा रही थी, जब भी कोई चीज नई होती है तो उसमें कई सारे टेस्ट ट्रायल किए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी जब प्रीचिंग मूवमेंट्स खड़ा कर रहे थे पूरे वर्ल्ड में, तो नए लोगों को सन्यासी बना रहे थे, नए लोगों को ब्रह्मचारी बना रहे थे, नए लोगों को दीक्षा दे रहे थे, तीन तीन महीने, छह छह महीने, कईयों को तो एक ही दिन में प्रभुपाद जी कृपा कर रहे थे। तो उन्होंने बुलाया और बिठाया, बिठा करके प्रभुपाद जी को प्रेसिडेंट बोलने लगे, जो कि ब्रिटेन के थे। वो कहते हैं कि स्वामी जी यू नो वन थिंग, द हेड ऑफ अवर एरिया इज नॉट चैंटिंग प्रॉपरली, इज नॉट अटेंडिंग मंगला आरती। सो प्रभुपाद जी उनको वो इग्नोर कर दिया और इधर अपना देख कर जप करने लगे। तो फिर उन्होंने बोला स्वामी जी आर यू लिसनिंग मी, व्हाट आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट, जीबीसी इज नॉट चैंटिंग, इज नॉट कमिंग टू अ मंगला आरती। तो प्रभुपाद जी का मुंह की आकृति विकृति में बदल गई, प्रभुपाद जी को थोड़ा गुस्सा सा आया। प्रभुपाद ने कहा हु आर यू टू टेल मी समथिंग अबाउट अ सम सीनियर डिवोटी, तुम कौन हो जो मुझे एक सीनियर भक्त के बारे में बताने आए हो। आप देखिए प्रभुपाद जी, अगर हमें कोई बताएगा तो हम एंटरटेन करते हैं, अच्छा अच्छा और क्या बता रहे, हाँ मुझे लगता ही था गड़बड़ है उसका। प्रभुपाद जी ने कहा हु आर यू टू टेल मी समथिंग अबाउट द सीनियर डिवोटी, और सन्यासी को कहा आस्क हिम टू लीव द रूम, इसको बोलो कि अभी कमरा छोड़कर चला जाए। तो प्रेसिडेंट तो एकदम घबरा गए कि जो फाउंडर आचार्य है वही भगा रहा है, तो सोचो जीवन की भक्ति क्या रह जाएगी उसकी। तो प्रभुपाद जी ने बाहर चला, वो चले गए और सन्यासी ने उस बात को रीस्टैब्लिश किया। नहीं नहीं स्वामी जी ही इज सेइंग राइट, आई एम ऑल्सो लाइक 4-5 इयर्स इन द मूवमेंट, लेकिन वो सच में नहीं आते हैं, जप नहीं करते हैं। तो
प्रभुपाद जी ने उनको कहा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, तुम में और मुझ में यही भेद है, यू डिस्करेज पीपल, आई एनकरेज पीपल। तो श्रुतिकृति प्रभु कहते हैं, मैं सोच रहा था कि अब प्रभुपाद जी जीबीसी को क्या बोलेंगे, तो फिर जब वो सन्यासी भी चले गए तो जीबीसी को बुलाया गया, वो आए, उन्होंने दंडवत किया, तो प्रभुपाद जी ने कहा, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ द कंप्लीट एरिया सो नाइसली, लॉर्ड चैतन्य हैज सेंड यू फॉर माय सर्विस, चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हें हमारी सेवा के लिए भेजा, धन्यवाद। लेकिन ये भक्त तुमसे इंस्पायर होंगे, कभी कभी समय मिले तो मंगल आरती और जप में आया करो, कोई डांटने कुछ। शुद्धिकृत प्रभु कहते हैं, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि एक व्यक्ति जिसको कंप्लेन कर रहे थे उसको डांटा, यानी प्रभुपाद जी निंदा आदि से शून्य थे, जीरो। सर्विस हेड होने का मतलब ये नहीं, गुरु बनने का मतलब ये नहीं कि हम निंदाओं को एंटरटेन करने लग जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं, ना, एवरीबडी हैज सिंपल इंडिविजुअल जर्नीज, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, हम सेवा के लिए आए हैं लेकिन हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। क्या पता कौन, तो आपको थोड़ी पता वो रात को जप करते नहीं करते, पूरी रात सोते नहीं है, उनका प्रेम किस स्तर का जानते हो, लाने वाले तो भगवान ही है ना उसको, तो आप गाइड तो कर सकते हो लेकिन निंदा नहीं कर सकते किसी। श्रील प्रभुपाद जी थे, तो उन्होंने कहा अगर वो प्रभुपाद जी ना होते तो क्या आज हम होते, तो उन्होंने कहा कोई भक्त नहीं होता, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी बड़े हार्ड स्ट्रगल लगाते तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो तो कोई नहीं टिकता। प्रभुपाद जी ने प्रेम किया सबको, प्रेम ही एक ऐसा बीज है, और इसी कारण से प्रभुपाद जी भक्तों के प्रेम प्रेम पाए, भक्तों से प्रेम किए, कृष्ण से प्रेम किए और कृष्ण को भी बांध लिए प्रभुपाद जी अपने साथ में। वही उन प्रभुपाद जी के लिए लिखा है, प्रेम हैते कृष्ण है निज भक्त यश, वो भगवान कृष्ण उस भक्त के वश में आते हैं, प्रेम हैते पाए कृष्णेर सेवा सुख रस, उसको सेवा करने में रस की अनुभूति होगी। आप जब करते हो आपको अनुभूति होती सेवा की, आनंद की होती है, अनुभूति आनंद की अनुभूति नहीं होती, हमें कंप्लीट करने की अनुभूति होती कि जल्दी कंप्लीट हो गया 7 बजे तक, अब ठीक है अब मैं पूरा दिन कुछ भी कर सकता हूं, इसकी अनुभूति का आनंद होता है, रस का आनंद नहीं हुआ। अभी हम जब करते हैं वो ऐसे है जैसे गुलाब जामुन खाना हो और जीभ के ऊपर टेप लगा दी जाए और फिर बोले आप स्वाद लो गुलाब जामुन का, subscribe now and press the bell icon, never miss an update.